नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। हम पढ़ रहे थे पाठ दो, मेरे संग की औरतें। बच्चों, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जिसमें लेखिका ने अपनी दूसरे नंबर वाली बहन के विषय में बताया था कि वह बहुत ही मजाकिया किस्म की थी, हंसना हंसाना उसका स्वभाव था। तभी तो जब कोई उसे इत्र भेंट करता तो वह कहती थी, नहीं चाहिए, मैं तो रोज़ नहाती हूँ। आइए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। यानी स्वयं पढ़ने से अधिक वह दूसरों की मदद किया करती थी। और पढ़ाई में इसका परिणाम क्या होता था बच्चों? इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द का मतलब वैसे शिष्य होता है, तो जो जिसको सिखाता है वह टीचर और सीखने वाला स्टूडेंट। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि उसके शागिर्द यानी उनके सीखने वालों के नंबर ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। लेखिका कहती है, हमारे यहाँ तो सब चलता था, कोई कुछ नहीं कहता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। अब मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। अब वह देखो इतनी मजबूत थी, आत्मविश्वासी थी कि पूरे घर में उसने माँ बाप की आज्ञा के बिना भी, और यहाँ तक कि जिस लड़के से विवाह होना था उसको भी पता नहीं था, उसने ऐलान कर दिया कि वह विवाह करेगी तो उसी लड़के से। अब देखिए, पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है वही करके रहती है, तो शादी उसकी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल नहीं आई। आती भी कैसे? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर ही रहता है। लेखिका बताती है कि उसने पहली मुलाकात में ही लड़के से बता दिया था कि मैं तो ऐसी हूँ कि जो भी सोच लेती हूँ वही करती हूँ और वही होकर रहता है। अब क्या हुआ फिर आगे? उसने बात खींची ही नहीं और क्या हुआ, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, मतलब उसने स्वीकृति दे दी शादी की और दोनों का विवाह हो गया। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर उसने क्या किया, पिता की कहने से ही अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र पढ़ा और फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। फिर पिता की पसंद से ही शादी भी कर ली। किसने? अचला ने। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई, मतलब पारंपरिक तरीके से आगे वह नहीं चली। क्योंकि क्यों नहीं चली? घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया, यानी वह लेखन क्षेत्र में आ गई। उसकी भी रुचि लिखने में बढ़ी और घर बार में उसका रुझान कम था, तो इसीलिए उसने भी लेखन क्षेत्र को ही अपना लिया। लेखिका आगे क्या कहती है कि एक बात हम में एक सी रही, यानी सारी बहनों में एक बात लगभग एक जैसी थी कि घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं, शादी एक बार की और उसे कायम रखा। तो लेखिका क्या कहती है, भले ही हमने परंपरागत तरीके से घर को नहीं चला पाई, लेकिन जैसे परंपरागत तरीके से चलाने का मतलब क्या है कि बिल्कुल अपने परिवार के हिसाब से उसी तरह के रीति रिवाजों से परिवार के नियमों पर चल करके विवाह को निभाना या घर गृहस्थी को निभाना। तो लेकिन लेखिका कहती है, हमने भले ही वैसे ना हम चली हों, लेकिन हमने परिवार को विवाह को तोड़ा भी नहीं, टूटने भी नहीं दिया। एक बार जिससे विवाह कर लिया उसी को बनाए रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तो डूबी नहीं। मतलब अनेक बार परिस्थितियां ऐसी आई होंगी कि विवाह जो है टूटने के कगार पर ही आ गया था, लेकिन उन्होंने उसको टूटने नहीं दिया। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिखा था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो
तो बच्चों यह बात उन्होंने अपने उपन्यास में भी लिखी लिखी थी कि इसीलिए वो ऐसा कहते हैं कि शायद हम सारी बहनें ऐसा ही मानती होंगी कि केवल पति बदल लेने से जीवन का मकसद पूरा नहीं हो जाता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है, मतलब घर रहकर भी, मन से स्वतंत्र रहकर भी हम जी सकते हैं। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, यानी जहाँ जिस नगर में गई बिहार के लेखिका, वह बहुत छोटा सा था और जिसका नाम था डालमिया नगर, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हों पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। यानी वह इलाका इतना पिछड़ा हुआ था, ऐसा पिछड़ा क्षेत्र था कि जहाँ नारियों को स्वतंत्रता थी ही नहीं, और जब कभी वो अपने पति के साथ पिक्चर देखने जाती तो उन्हें अलग अलग बैठना पड़ता था। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़ वहाँ पहुँची और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका कहती है दिल्ली की नौकरी छोड़कर वह वहाँ डालमिया नगर में आ गई थी और वहाँ आई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर नाटकों की शौकीन तो लेखिका थी ही, उन्होंने वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उनमें इतनी जागरूकता, इतनी चेतना उनमें जगाई कि उनमें बहुत अधिक सुधार हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए वे राज़ी हो गई, यानी लेखिका ने उन्हें पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए भी मना लिया। और परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने इतने नाटक किए 4 सालों में कि अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे यानी बागलकोट में पहुँची। इसके बाद लेखिका उससे भी छोटे कस्बे में गई जिसका नाम था बागलकोट। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका बताती हैं कि बागलकोट में कोई भी ऐसा अच्छा स्कूल नहीं था जहां बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। तो पास में ही बच्चों एक कैथोलिक कहते हैं उसको, गिरजाघर को, कि और जो उसका अधिकारी है उसको कहते हैं बिशप। तो कैथोलिक बिशप से जो पास में ही था और वहाँ के लोगों ने राय दी कि आप एक बार उनसे जो है अनुरोध करो, शायद आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो उन्होंने कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की, उनसे प्रार्थना की कि सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खुलवा दो। तो पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या बहुत कम थी तो इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में वो असमर्थ थे। तो देखो, जो क्रिश्चियन होते हैं उनके जो धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के जो लोग थे, क्रिश्चियन ईसाई धर्म को मानने वाले, उन्हीं उनका कार्य क्या होता है, जो उनके प्रधान होते हैं और उनकी जो संस्थाएँ खुलती हैं अथवा जो उनके स्कूल होंगे उसमें अधिकांशतः, या यूँ कहिए कि सभी जो हैं वो क्रिश्चियन ही होते हैं, अन्य धर्मों के बच्चे या लोग उसमें नहीं होते। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताई। तो लेखिका क्या कहती है, मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, लेकिन लेखिका ने हार नहीं मानी और उसने कहा कि गैर क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन नहीं हैं वो बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम कोशिश तो कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 बरस तक चलेगा। अब बताओ बच्चों, 100 बरस तक की गारंटी कौन लेगा, है ना, 100 घंटों की भी कोई नहीं ले सकता, तो लेखिका भला कैसे लेती। सुनकर लेखिका कहती हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा स्कूल को छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरसों तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बिशप को भी गुस्सा आ गया और बोले, खुदा का शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। लेखिका कहती है कि सत्य का सम्मान करना तो उनके संस्कारों में था।
सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ तीन भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। तो बच्चों, लेखिका बताती हैं कि उसने अपने मन ही मन निश्चय किया कि वह ऐसा प्राइमरी स्कूल खोलेंगी जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाएं और साथ ही कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाएगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। मतलब ये कि लेखिका ने जो निश्चय किया था, वहाँ पर रहने वाले अनेक अच्छे लोगों की मदद से, अनेक सहयोगी लोगों की मदद से उसका सपना पूरा हुआ, व्रत पूरा हुआ और उसमें न केवल लेखिका के बच्चे पढ़े बल्कि अन्य अफसरों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े और बाद में अलग अलग शहरों में अलग अलग बहुत अच्छे स्कूलों में उन्हें दाखिला भी मिल गया। बच्चों, अनेक ऐसे मौके आए, लेखिका क्या कहती आगे कि ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। यानी अपने लेखन में जो लेखिका ने रचनाएं लिखी, वो ये कहती हैं मेरे जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां आई कि जिसमें उनका हट, उनकी ज़िद्द झलकती है साफ साफ, पर सबसे ज़्यादा मंच, सबसे ज़्यादा उन्हें जो समय मिला और स्थान पाया और सम्मान पाया, वो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। यानी जो भी परिस्थितियां विपरीत उसके जीवन में आई, उसका रास्ता वह स्वयं खोजती रही। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। वो कहती हैं मैं अपनी छोटी बहन रेणु जैसी नहीं हुई हो सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। मतलब इतनी बारिश बरसी कि 9 इंच तक पानी जमा हो गया। दिल्ली की खासियत रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुल के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद सरकारी दफ्तरों के पहले फ्लोर से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसको लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। अब ये हमने शुरू से बताया था कि वो अपनी धुन की पक्की थी, जो मन में सोचती थी वह करती थी और स्वाभिमानी थी। सबसे बड़ी बात कि वह स्कूल से पैदल धूप में, गर्मी में, तपती हुई पैदल आ जाती थी, लेकिन गाड़ी में बैठकर वह नहीं आती थी। तो ऐसा जो घटना लेखिका ये बता रही है कि बारिश बहुत बरसी और स्कूल कॉलेज तक जाना बहुत कठिन हो गया, यहाँ तक कि पहली फ्लोर की दफ्तर की फाइलें तक भी पानी में तैर गई। तो ऐसे उस माहौल में स्कूल जाना तो संभव था ही नहीं, तो किस तरह जाती वो। घर में सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल यानी वाजिब, सही जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह भी ठप पड़ा हुआ था। रेणुका अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई। एक मुश्त यानी बहुत लंबे समय के बाद एक बार बरसी और रुक गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। वह किसी की भी बात नहीं मानी और स्कूल पैदल चलकर पहुंची। यानी सड़कों पर पानी तो भरा हुआ था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। ऐसे उस माहौल में रेणु ने 2 मील पैदल चलकर रास्ता तय किया और स्कूल पहुंच गई। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। अब घर में सभी ने समझाया था, इतनी बरसात होने के बाद तो शायद स्कूल खुला मिलेगा ही नहीं, लेकिन स्कूल बंद मिला। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, उसे कोई पछतावा नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर फिर से घर पहुंच गई। सब ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था।
उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले, अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो लेखिका कहती है, जिस तरह से उसकी बहन ने वह 2 मील का सफ़र तय किया विद्यालय जाना और फिर वहाँ से लौटकर 2 मील चलकर गीली सड़कों पर पानी में भीगते हुए वापस आना, उसका भी अपना अलग ही मज़ा रहा होगा। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमारा यह पाठ मेरे संग की औरतें संपन्न हुआ, पूरा हो गया। और प्रश्नोत्तर पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और आपने ये सभी प्रश्न पहले भी आपको समझा दिए गए थे, और एक बार और देख लें, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक, और एक बार पुनः सभी प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं संक्षिप्त में, और आप इनको बहुत सुंदर लेख में करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थीं? देखा नहीं था लेकिन लेखिका ने अपनी नानी के विषय में सुना तो बहुत था ना, कि किस प्रकार वो आज़ादी से जुड़ी हुई थी, आज़ादी में भाग न लेकर भी, और बहुत ही परंपरावादी थी और स्वाभिमानी थी, झूठ कभी नहीं बोलती थी। तो उसमें इतने ऐसे गुण थे उनके व्यक्तित्व के बारे में, जब उन्होंने सुना तो उससे बहुत अधिक प्रभावित हुई। दूसरा प्रश्न है हमारा, लेखिका की नानी कि आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। बच्चों, सबसे बड़ा उदाहरण तो वही है कि उन्होंने जब उनके जीवन का अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने अपने पति के मित्र को बुलाया और अपनी बेटी के विवाह की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी कि वे भी किसी अपने जैसे ही किसी स्वतंत्रता सेनानी से उसका विवाह करवा दें। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी साफ साफ दिखाई देती है। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में हमने क्या बताना है? लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं आप आराम से बता सकते हैं। वो किसी के राज को दूसरे के सामने नहीं खोलती थी, सदा सत्य बोलती थी, अपने नियमों पर चलती थी। तो इस प्रकार आप इसको विस्तार से लिखेंगे। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए कि लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था, जहाँ लड़कियों को सम्मान मिला हुआ था, किसी प्रकार की बंदिश नहीं थी। तो इस तरह से आप इनकी भी, लेखिका की दादी के घर का माहौल भी लिखेंगे। स्वतंत्र विचारों का वातावरण था वहाँ पर, कोई किसी के निजी मामले में दखलंदाजी नहीं करता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब क्यों मांगी होगी, इसके कई कारण हैं कि बहुत समय से, 200 वर्षों से लगभग उनके यहाँ किसी के लड़की पैदा नहीं हुई थी, है ना, और पहले लड़कियों का सम्मान नहीं था, पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था। तो इस प्रकार बहुत से कारण हैं। और दूसरा, दादी नारी सम्मान करती थी, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर भी खोल करके लिखेंगे। 5वां प्रश्न है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है, पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आप वो जो चोर वाली घटना है दादी की, आप अच्छी तरह से परिचित हैं किस प्रकार दादी के प्रभाव से वह चोरी करने वाला चोर भी चोरी का धंधा छोड़कर खेती का धंधा उसने अपना लिया और एक अच्छा इंसान बन गया, वह घटना इसमें लिखेंगे आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल, अभी अभी आपने पढ़ा है, लेखिका ने बहुत प्रयास किए। वो पहले बिशप के पास गई, उन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने स्वयं निश्चय किया कि ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें तीनों भाषाओं को पढ़ाया जा सके, और जिसमें, और फिर उनका यह सपना पूरा भी हुआ, और जिसमें उनके न केवल अपने बच्चे पढ़े बल्कि अफसरों के बच्चे भी पढ़े। तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयास किया बच्चों के लिए, और इस बात को सिद्ध कर दिया कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा से देखा जाता है। तो आप ये देखेंगे, ये तो एक सामान्य प्रश्न है, बिल्कुल सामान्य रूप से भी आप लिख सकते हैं, और पाठ के, हमने पाठ के आधार पर लिखना है
कि जीवन में कैसे लोगों को श्रद्धा की नज़र से देखते हैं, कि उन लोगों को कि जो अपने जीवन के सिद्धांतों पर अटल रहते हैं, सत्य पर अटल रहते हैं, है ना। तो जैसे लेखिका की नानी थी, वह घर का काम भी भले ही अधिक नहीं करती थी, बच्चों के लिए भी वह अधिक वो एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई थी और अच्छी बहू भी नहीं थी, फिर भी लोग उनका सम्मान करते थे, तो उनके अनमोल गुणों के कारण। सच, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के विषय में अपने विचार बताइए। तो इस कथन के आधार पर कैसी लेखिका, अभी बिल्कुल अभी अभी आपने पढ़ा है कि किस प्रकार वो अटल जिस निश्चय पर जो निश्चय मन में कर लेती थी उसी पर अटल रहती थी और स्वाभिमानी थी, तभी तो वह 2 मील पैदल चलकर बारिश के मौसम में भी भीगती हुई, यानी गीली सड़कें थी, भले ही बारिश बंद हो गई थी फिर भी बहुत पानी भरा हुआ था, ऐसे माहौल में वह अपने स्कूल तक पहुंची और ऐसे में ही वापस लौटी। और लेकिन इस प्रकार आने का भी कुछ अलग ही मज़ा है, उसका भी आनंद अलग ही उठाया जा सकता है जिसके विषय में लेखिका ने लिखा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने 1 से लेकर 8 तक सभी प्रश्नों पर चर्चा हम कर चुके। आपने सभी प्रश्नों पर पुनः विचार करना है, विचार करके और आप सारे प्रश्न ये लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।